हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर मथुरा के थाना नौझीली क्षेत्र में एक बस ने अपना नियंत्रण खो दिया। बेकाबू बस डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड पर कार से टकरा कर पलट गई, जिसमें बस ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर एक साइड में लंबा जाम लग गया। पुलिस के अनुसार बस चालक को नींद की छक्के के कारण यह हादसा हुआ है। एसपी देहात श्रीचंद के मुताबिक खाली बस आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी, इसी दौरान बस चालक की छक्की लग गई, जिस कारण बस बेकाबू हो गई और दूसरी साइड जाकर कार से टकरा गई। इस वजह से कार में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार गाजियाबाद से आ रहे थे, बस चालक की भी हादसे में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।